भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आज जिला मुख्यालय पर किसान आक्रोश आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिले के इस किसान द्वारा एक रैली निकालकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस द्वारा चुनाव में किए गए वादे अनुसार अब तक किसानों को 2 लाख की कर्ज माफी न करने, अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को फसलों का मुआवजा न देने तथा किसानों व आम जनता को भारी भरकम बिजली बिल थमाए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव कर बिजली बिलों की होली जलाई। खरगोन लोकसभा के सांसद गजेंद्र पटेल ने कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ नहीं कलंकनाथ की सरकार है। आगे सांसद ने कहा कि किसानों और जनता से जो वादे किए गए हैं वह कमलनाथ सरकार पूरे करे नहीं तो हम सरकार के खिलाफ आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। खरगोन से संवाददाता सुरेश महाजन, सत्य न्यूज। इस प्रकार से पूर्व हमारी मध्य प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने छोटे से लेकर सभी बड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उनके हित के लिए काम किया है। उस समय पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सुखी थी, संपन्न थी और खुशहाल थी। उसने छोटे छोटे तबकों से लेकर सभी योजनाएं बनाई थी और ये मध्य प्रदेश की जो सरकार बनती है ये जनता के हित में बनती है। और इस बात में कहने में कोई मुझे संकोच नहीं कि जिस प्रकार से उनका नाम है उस प्रकार से उन्हें काम करना चाहिए था। जो वादे उन्होंने पिछली बार घोषणा पत्र में किए थे कि हम प्रत्येक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कभी माफ हुआ क्या कर्जा? बिल्कुल कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने जितने वादे किए, हमारे 100 सता समूह बहनों के बारे में उन्होंने कहा इनका हम ऋण माफ कर देंगे, एक भी 100 सता समूह का ऋण माफ नहीं किया। युवाओं के बेरोजगार में भत्ता देने की बात कही, एक ही मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और जितनी योजना जनहित की शिवराज जी की चल रही थी वो सब योजना उनने बंद कर दी गई, नई योजना को चालू नहीं की गई। इसलिए मैं उनको कमलनाथ नहीं कनकनाथ की उपाधि हम सब लोग देना चाहते हैं। अगर वो अच्छा काम करते तो हम उनको सम्मान करते। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी का सम्मान जगह जगह होता है और अभी भी हो रहा है, आज बेचारे मामा को याद कर रहे हैं, जनता छोटी छोटी बहने हमारी भांजियां मामा को याद कर रही, देखिए आप पता करिए। और जनता नहीं पूरे एक एक वर्ग इस बार मध्य प्रदेश की सरकार से नाराज है। इसके लिए हम पूरा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आज इस सरकार के खिलाफ आक्रोश के लिए हमने निकाली है। और हमने बिजली के बिल, क्या बिजली के बिल आ रहे हैं आप भी देखिए, आप पता करिए, सर्वे करिए। हमारी शिवराज जी के समय में हमने छोटे लोगों के 200 रुपये बिजली का बिल हमने किया था। जब कांग्रेस के लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे, हम तो मानते हैं कि 200 रुपये बिजली का बिल हाफ मतलब 100 100, एक भी बिल 100 रुपये का नहीं आया। सब बिल 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार का है। आप पता करिए कैसी सरकार चल रही है। अगर सरकार अच्छा काम करती तो हम सम्मान से